हनुमान चालीसा के पाठ उठ होला वो मंदिर पर मंगर के मंगर होला नू अच्छा माइक लागल मैंने पाठ होला नू हाँ तो पाठ होला तो वहाँ हनुमान अथी का बोलते हनुमान चालीसा अभी हम लगभग 400-500 हनुमान चालीसा भी भेज देता नहीं ठीक बा हाँ। आ वहाँ पंखा भी लगवा देता नहीं और कुछ एकदम एकदम भाई आयम एकदम आयम अरे एकदम एकदम बजरंग बली की कृपा रहे चाहिए आशीर्वाद रहे चाहे सब कुछ हुई आयम हम और पंखा लगी हूँ अब ठीक बा एकदम सब लोग के कहे जितना लड़का फैका जितना बा सब के कम से कम सप्ताह में एक दिन लड़का लोग सब लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा के पाठ करो लोग हमारा तरफ से पूरा व्यवस्था रही ठीक बा एकदम एकदम शनिचर और मंगलवार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया न शनिचर मंगल तो कम से कम मंगलवार जरूर चलिए 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 बहुत बहुत धन्यवाद हम भेजवा देते नहीं और अर्जाम में हम आएं भी एकदम आएंगे एकदम आएंगे भाई ना ना एकदम आएंगे भाई चलिए 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 और आपका ये बात भी हम सोशल मीडिया पर भी डाल के लोगों को जागरूक करके बताएंगे कि देखिए भाई लोग इतना जागरूक हो रहा है एकदम 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 पूरा समाज के साथ है हम एकदम एकदम पूरा 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 सनातन समाज हमनी के ताकत बा मजबूत करे के बा आओ तनी हम हम आयम आयम भाई एकदम 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 हम आयम एकदम निश्चित रूप से आयम चिंता मत करी ठीक बा अच्छा संजय जी अध्यक्ष बनी एकदम 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 सारा लोग के कहीं बढ़िया से पूजा हो को हम पहुंचम भेंट हुई बैठल जाई बात कर जाई हमरा तरफ से जोन कहो तनी पंखा लगवा दे चलिए ना ना ऊपर कोनो जरूरत नहीं है महाराज जब हम ही खुद आवत नहीं तो फिर परेशानी ले लगे का काम बा ठीक बा चलिए ठीक बेटे जय बजरंग बली। देखिए सबसे बड़ी चीज है अब जो छोटा सा प्रयास किया गया था कि जहां भी जिस हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के मंगलवार अगर शुरू हो जाता है तो हमारे तरफ से वहां पर जो है कि हनुमान चालीसा तो देंगे ही देंगे गर्मी है तो पंखा भी लगा देंगे अगर ठंडा में अगर का मौसम आएगा तो वहाँ हीटर भी लगवाएंगे पानी पीने का अगर दिक्कत होगा तो वहाँ का गांव समाज कहेगा तो प्यूरिफाइड लगवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई जरूरी है संस्कार भी जरूरी है तो हम तो दोनों पर काम करते हैं पढ़ाई के लिए बच्चों के स्कूल में कंप्यूटर लगवा दे रहे हैं आप भी कहिएगा तो आपके आपके गांव के स्कूल में लाके लगवा देंगे ऐसा नहीं है कि अब कहीं एक ही जगह आप जहां कहिएगा वहां लगवा देंगे अपने तरफ से अगर वो गांव वाले या आसपास के लोग सक्षम नहीं है वो हमको बोलेंगे हम उस गांव में कंप्यूटर लगवा देंगे एकदम निश्चित उस गांव के स्कूल में कंप्यूटर लगवाएंगे सरकारी स्कूल में क्योंकि हमने इंटर पास किए तब कंप्यूटर का कॉल जाने लेकिन कौन से हम लोग के प्रयास से दूसरा तीसरा का लड़का तो जानेगा ना कि कंप्यूटर का है तो आगे बढ़ेगा तो ये हमारा प्रयास है शिक्षा के क्षेत्र में हनुमान चालीसा 15 लाख बांटने का प्रयास किए जिस हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के मंगलवार शुरू हो जाएगा सुबह में शाम में वहां पर हम पंखा लगवा देंगे वहां व्यवस्था भी देंगे तीसरा कैसे लोगों का जान बचाया जाता है वो गरीब हो अमीर हो कोई जाति का हो कोई धर्म का क्यों ना हो अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड 10,000 से लेकर के 50,000 तक का मतलब हम क्या कहें सालाना आप अपना पैसा मेहनत का बचा सकते हैं हमारे कार्ड के हिसाब से अगर हमारा कार्ड लेकर के सभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपका फी नहीं लगेगा खून पेशाब जांच होगा तो आधा पैसा में हो जाएगा अल्ट्रासाउंड होगा तो आधा पैसा में हो जाएगा अब बोलिए एक्सरे कराना होगा तो आधा पैसा में हो जाएगा तो ये सारा सिचुएशन है सारा विधि व्यवस्था है और मैं तो बस अब आपसे इतना ही कहूंगा कि जब इतने लोग फोन कर करके हमको बोल रहे हैं बता रहे हैं और हम हर जगह और ये मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हैं नहीं अपने खुद पे एहसान नहीं कर रहे हैं ये हम लोग अपने सनातन को अपनी संस्कृति को मजबूत करने का हमारा भी फर्ज है इनका भी फर्ज है और आपका भी फर्ज है कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा बटवाओ तो रन स्कूल में शिक्षा में कुछ करती था कंप्यूटर वह कहाँ लगाओ तनी अपने नाना अपने के नाना जी के यहाँ दोनों लगाओ तनी दो तीन गो आदमी है जो हमेशा टारगेट करके कमेंट करते रहता लेकिन बाबू तुम विरोध करते रहो तुम्हारे ही विरोध से तो यहाँ एनर्जी होता है मतलब ताकत बढ़ता है तो विरोध होना चाहिए एकदम विरोध आप करते रहिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो कंप्यूटर भी लगवा रहे हैं हनुमान चालीसा बांट करके हनुमान मंदिर में पंखा लगवा के सनातन संस्कार को भी मजबूत कर रहे हैं
और तीसरे तरफ हेल्थ कार्ड बांट करके हर जाति हर धर्म के लोगों का जानकर रक्षा भी कर रहे हैं। ये न किसी पद पे है, न कोई पावर है, न सांसद है, न विधायक है, बस है तो सिर्फ आपका आशीर्वाद और अंदर एक जुनून बिहार में कुछ करने का, बिहार में कुछ बदलाव करने का। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग आवले बिहार बदले और अपने बदल के चल जाले, तो भैया मेरे कोई एक आदमी गलत हो जाएगा हम जीना छोड़ देंगे, कोई एक आदमी गलत हो जाएगा तो हम कोशिश करना छोड़ देंगे, कोई एक आदमी गलत हो जाएगा तो हम लड़ना छोड़ देंगे, कोई एक आदमी गलत हो जाएगा तो हम अन्याय का विरोध करना छोड़ देंगे, किसी कीमत पर नहीं। अन्याय का विरोध करेंगे चाहे अकेले ही क्यों ना करना पड़े, साथ लोग आते हैं बदल जाते हैं, तो बदल गए तो बदल गए, हौसला बदल जाएगा, हो जो ठान लिए है वो चीज बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। जय बजरंगबली, बजरंगबली आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मजबूत रखे। जय बिहार।